लेसन फाइव स्टार्ट करेंगे। लेसन फाइव है आपका मोर ऑन पेंट। तो चलिए हम लेसन को ओपन कर लेते हैं। तो इस लेसन में स्टूडेंट्स आपका एमएस पेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे हमारा एमएस वर्ड था उसी तरह से एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है विंडोज़ कंप्यूटर्स के अंदर। ओके, तो एमएस पेंट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पेंट, पी ए आई एन टी। तो पेंट आ जाएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा एमएस पेंट ओपन हो गया है। देखिए इसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का ये इंटरफेस मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए दो टैब हैं, होम टैब है, एक व्यू टैब है। होम टैब में पेस्ट का ऑप्शन है, ये कट का, ये कॉपी, सेलेक्ट, रीसाइज, रोटेट। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग के काम में आता है। कोई पिक्चर वगैरह फ़ोटो वगैरह एडिट करनी हो आपको तो उसमें ये काम में आता है। ओके, तो पिछली क्लास में भी आपने हो सकता है एमएस पेंट के बारे में पढ़ा हो। यू हैव लर्न्ड दैट माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर ड्राइंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे कोई भी ड्राइंग का काम करना हो या कोई पिक्चर वगैरह में थोड़ा बहुत एडिट करना हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न्ड अबाउट सम ऑफ द पेंट टूल्स एंड क्लिप बोर्ड ऑप्शंस इन प्रीवियस क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब फन एक्टिविटी को आप फिलअप करेंगे। पहला जो ऑप्शन है इसमें ये किस चीज़ का ऑप्शन, देखिए ये कट का ऑप्शन है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ऊपर जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा वाला हमारा जो बी ऑप्शन है, बी किसके लिए है, पहला तो कट का हो गया, सेकंड है बी, बी ये आपका कॉपी करने का ऑप्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉपी लिख के आ रहा है, ये कॉपी का ऑप्शन है, इसका आइकन बना हुआ है। नेक्स्ट थर्ड है आपका पेस्ट का ऑप्शन। ओके, तो ये पेस्ट का ऑप्शन देख सकते हैं आप ऊपर स्क्रीन पे, पेस्ट का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ये है आपका रोटेट का, डी वाला है आपका रोटेट का। और ई जो ऑप्शन है ये है आपका रीसाइज का, रीसाइज, आर ई एस आई जेड ई। और जो लास्ट एफ है आपका ये है फिल कलर। ठीक है, एफ आई डबल एल फिल कलर, जैसे कोई कलर वगैरह फिल करना है तो ये ऑप्शन है। देखिए ऊपर रोटेट, रीसाइज, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और ओपनिंग एन इमेज, कोई भी अगर हमें इमेज ओपन करनी है तो इसमें कैसे करेंगे एमएस पेंट में। तो सबसे पहले जैसे हमारा एमएस वर्ड होता था बिल्कुल वैसे ही है, फाइल पे हम जाएंगे, यहाँ पे यहाँ ओपन का ऑप्शन हमें मिलेगा, ओपन का। ठीक है, ओपन पे हम जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और इस डायलॉग बॉक्स से हमें फोटोज़ अपनी चूज़ कर लेनी है। देखिए डायलॉग बॉक्स आ चुका है और जो पिक्चर्स वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से हम किसी भी पिक्चर को अपने एक्सेस करके यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कोई पिक्चर हो ऐसी, जैसे ये कोई पिक्चर है, इसको मैं अपनी स्क्रीन पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि ये फुल पिक्चर हमें दिखाई दे सके। ये पिक्चर ओपन हो चुकी है। चलिए ये हमने बता दिया आपको कि कोई भी पिक्चर को एमएस पेंट में कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, और किसी भी इमेज की प्रॉपर्टी देखने के लिए शॉर्टकट की भी होती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस ई। तो एमएस पेंट जब हम चला रहे हैं और कंट्रोल प्लस ई जब हम प्रेस करेंगे तो उस पिक्चर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये कब बनी थी, एक मतलब पिक्चर कब क्लिक की गई थी, इसकी साइज क्या है, इसका रिजोल्यूशन क्या है, कलर में है या ब्लैक एंड वाइट है, पिक्सल्स कितने हैं इसके, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम, कंट्रोल प्लस ई, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। अब हम इसके टूल्स के बारे में बात करेंगे। पहला टूल है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल,
यानी कि किसी भी इमेज को हमें सेलेक्ट करना हो तो उसको एक टूल की हेल्प से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब जैसे ये इमेज है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम रीसाइज पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल ओपन हो जाता है। इस पर हमने क्लिक किया। अब हमें अब करना क्या है, लेफ्ट क्लिक को हमें दबा के रखना है और माउस को नीचे की तरफ ले जाना है। देखिए ये रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, जितना पार्ट हमें चाहिए उतना हम सिलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना पार्ट ही क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन टूल है, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेम चीज़ आपकी इस पिक्चर में बताई गई है, आप ध्यान से इसको भी देख सकते हैं। ओके, आफ्टर सिलेक्शन इफ यू क्लिक आउटसाइड द सिलेक्शन एरिया द सिलेक्शन विल बी कैंसल्ड। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलेक्शन जो आपने किया है, सिलेक्ट किया है, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो बाहर क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। ठीक, तो आगे दूसरा तरीका क्या है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। यानी कि देखिए इसमें क्या था, बॉक्स ही बन रहा था रेक्टेंगुलर, लेकिन अगर हम फ्री हैंड सिलेक्शन टूल करना चाहते हैं तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम जहाँ जहाँ पे इसको लेके जाएंगे उसी तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे हमें इतना फेस सिलेक्ट करना है तो हमने लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, माउस को घुमा के ये कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस लिखा है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी किया था, उसके बाद लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे माउस के और इसको मूव करेंगे चारों तरफ, तो जिस तरीके से सर्किल बनेगा वो बन जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारी जो फन एक्टिविटी है इसको भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा टूल इसमें यूज़ किया गया है। तो इसमें पहला जो है आपका, इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यूज़ किया गया है, और ये जो आपका दूसरा वाला है बी वाला, इसमें आपका दूसरा वाला टूल यानी कि जिसका नाम है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, इसमें यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आपका सी, इसमें भी फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल यूज़ किया गया है, और जो डी है आपका, इसमें आपको लिखना है इसमें आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यूज़ किया गया है। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, उसके पहले जो एक्टिविटी थी उसको भी दोनों को कंप्लीट करके चेक कराइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।